दिस इज सोनिया चौहान, और जो लोग नहीं जानते हैं कि मैं सोनिया चौहान हूँ। ओ यार, एक इयररिंग तो मैंने पहने। उफ, कितना बोलना पड़ता है यार, मैं इतना नहीं बोलती हूँ। सो रीटेक प्लीज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सोनिया चौहान। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके? एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर और मेरी वीडियोस देखते हैं बट अब तक लाइक नहीं किया है, देन प्लीज गो अहेड एंड लाइक माय वीडियोस। सो यस, आज आप मेरी वीडियोस में कुछ डिफरेंट देख रहे होंगे। सबसे पहली बात की मेकअप। तो मैंने बहुत वाकई में मेहनत करी है, पहली बार मैंने थोड़ा मेकअप करा है, थोड़ा गेटअप लिया है ट्रेडिशनल, और मेरा बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। और हो भी क्यों ना यार, दिस इज फेस्टिवल सीजन और एक अंदर से ही एक वाइब्स आती है ना अच्छी वाली, तो वो मेरे अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। आई होप आपके आप सबके अंदर होगी वो वाइब जो आजकल है। ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल सीजन है इसलिए, बट जो ये जो टाइम होता है, आई मीन ये जो सीजन है, ये जो विंटर्स वाला जो टाइम होता है, वो पहले से ही मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है मेरे लिए। और आई होप बहुत से लोगों को विंटर्स पसंद है, तो मुझे विंटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही ये अक्टूबर स्टार्ट होने लगता है, अक्टूबर सितंबर एंड, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, एंड आई फील सो एनर्जेटिक एंड सो पॉजिटिव। तो वो जो वाइब है विच इज़ वेरी नाइस, और आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो, गुड गुड फीलिंग आती है, और ये जो ये कंटिन्यू रहता है दिसंबर जनवरी तक। तो देखो, बाहर आई नो वी ऑल नो कि अभी भी सिचुएशन सेम है और हमको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, बट उसके रहते हुए भी हम इंजॉय कर सकते हैं, फेस्टिवल्स मना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आई नो बहुत से लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है घर में बैठे बैठे। मैं भी एक वर्किंग वूमन हूँ, घर का काम भी करती हूँ और ऑफिस का काम भी करती हूँ। होता है, एक टाइम आता है आप बहुत मोनोटोनस सा फील करते हो, है ना, क्योंकि घर में कोई नहीं है, बस आप और आपके हस्बैंड हैं। तो हो जाता है कई बारी ना कि यू फील लाइक ओफ कब तक। अब क्योंकि सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, बट स्टिल आई एम सेइंग कि एक अच्छा वाइब, एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो बी हैप्पी, बी चेयरफुल, कुछ भी सिचुएशन हो आपके आसपास, सो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, बट पॉजिटिविटी आप फैला सकते हो, राइट? तो कैसा भी टाइम है, कैसी भी सिचुएशन है, डोंट फॉरगेट टू इन्जॉय, डोंट फॉरगेट टू फील हैप्पी, फील गुड अबाउट यू, राइट? तो ये बहुत ज्ञान वाली बात होगी। एक्चुअल में मेरी वीडियो जो है वो बिल्कुल ही इससे परे है, बट यस, इट इज़ रिलेटेड टू द फेस्टिवल सीजन, क्योंकि फेस्टिवल्स हैं तो ऑब्वियसली शॉपिंग तो होनी ही होनी है, राइट? फॉर मी यस, मेरी तो मतलब पहले से ही शुरू हो चुकी थी, जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हुई तो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई थी। तो क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो हमको बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाने का होता, तो मुझे जो चाहिए था, जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, तो मैंने वो अब मंगवाया है। तो मैं वो शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है, और अगर आपको उनमें से कुछ पसंद आए तो आप भी उसे मंगवा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक्स मेंशन कर दूंगी जो मैंने
जहाँ से मैंने मंगवाया है। तो बेसिकली दिस इज अमेजोन सेल, जो कि आपको पता ही होगा आजकल फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवल सेल चल रही है अमेजोन पे और भी बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स भी चल रही हैं। तो मैंने अमेजोन से मंगवाया है कुछ सामान, तो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। सो फर्स्ट थिंग इज दिस काइंड ऑफ जार्स। सो ये एक दो और तीन, तीन जार्स हैं जो है, एक है शुगर का, दूसरा है कॉफ़ी एंड द थर्ड वन इज़ टी। तो ये तीन जार मैंने मंगवाए हैं। थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मुझे ना कि, और सबसे बड़ी बात पता रहना हो चाहिए कि इसमें लिखा हुआ है तो और भी अच्छा इम्प्रेशन सा पड़ता है। जब आपके किचन में कुछ अच्छा सा रखा होता है इट फील गुड, कोई आपके घर पे भी आता है तो भी अच्छा सा फील होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ ये प्लास्टिक में है, वैसे नॉट अ जार वाला नहीं है, प्लास्टिक है, मैं प्लास्टिक ही प्रेफर करती हूँ। हाँ, तो बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ कि ये 140 में मुझे मिला था, राइट, बट एक क्या बोलते हैं माइनस पॉइंट था इसमें, किस में था वो, कॉफ़ी वाले में था। इसमें एक प्रॉब्लम था कि ये यहाँ से ना, ये रहा, ये एक निशान है ना, यू कैन सी, तो ये था कटा हुआ। तो मुझे था कि इसको मैं रिप्लेस करवा लूँ या फिर रिटर्न करवा लूँ, बट फिर मुझे लगा मुझे मेन क्या है ना, मेरे को शुगर और टी का चाहिए था, तो ये मैंने ऐसे ही ले लिया, चल ठीक है तीन हो जाएंगे तो इसका कुछ यूज़ कर लूँगी, बिकॉज वी आई मीन कॉफ़ी हम ज़्यादा पीते नहीं हैं और इतने इतने बड़े में तो कॉफ़ी वैसे भी नहीं आती है इतना अमाउंट, तो इसमें मैं कुछ और ही रखने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि चल छोड़ रहने देती हूँ, क्योंकि जो मेरे काम की दो चीज़ें थी वो शुगर और टी, वो मेरे यूज़ आ जाएगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसको आप खोलोगे तो खोलने के लिए एक ऐसा दे रखा है, इसको आप प्रेस करोगे तो ये खुल जाता है, तो बहुत ही मन अमाउंट भी बहुत अच्छा आता है इसमें, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ है, तो आई रियली लाइक इट वर्थ, बट अगर इसमें कोई कटवट ना हो तो दिस इज वर्थ, तो आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस परचेज। सो दिस इज माई फर्स्ट परचेज, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माई सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज, मतलब वो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, मतलब काफ़ी टाइम से, जब से मेरी शादी हुई मुझे सबसे चाहिए था एक अच्छा सा, आउच, ये चकला। ये चकला क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना इसका, ये भारी कितना है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये ग्रेनाइट का है, तो प्योर ग्रेनाइट का है तो ये उसी हिसाब से भारी भी है, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, इसका मतलब डायमीटर ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, तो इसमें आप अच्छे से पराठे रोटी बना सकते हो। मेरा क्या होता था ना, मेरा चकला इतना अच्छा नहीं था तो मैं उसमें बनाती थी, जो वेजिटेबल कटर होता ना वो थोड़ा सा बड़ा होता, तो उसमें मैं बनाती थी पराठे वगैरह। बट इसके बाद मुझे, आई मीन आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बैड पार्ट ऑफ इट। दिस इज द बैड पार्ट, इवन वर्स पार्ट, दिस इज द स्पैचुला आई ऑर्डर्ड विद दिस। तो ये दोनों कंबाइन थे, एक तो ये बिल्कुल पिद्दू सा है, जरा सा है, और ये ऐसे ऐसे हो जाता है, आई डोंट नो, वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया कैसा होता है, बट आई एम श्योर ये ऐसा भी नहीं होता। और ये मतलब पता नहीं क्या है, ये सिलिकॉन भी नहीं है क्या है, और ये मतलब आई एम वेरी, आई मीन डिसअपॉइंटेड विद दिस, बट क्योंकि मैं इस चकले से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस थी तो आई डिसाइडेड चलो ठीक है आई एम ओके विद इट, क्योंकि जब तुम्हें एक चीज अच्छी मिल जाती है ना तो यू कैन इग्नोर द सेकंड वन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर ऑर्डर, आई मीन टू थिंग्स कंबाइनली, आप अकेले अकेले ऑर्डर कर लो, हमको लगता है कि दो कर लेंगे तो ना अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्काउंट रहता है, बट आपको ना फिर रिटर्न करने में प्रॉब्लम होती है कि आपको लगता है छोड़ ना यार एक चीज तो इतनी अच्छी निकल गई,
रहने देते हैं, तो वो आप मत करना। आपको अगर ये ऑर्डर करना हो ना, इसको सेपरेटली ऑर्डर करना, इसके साथ ऑर्डर कभी कतई मत करना। द थर्ड वन, अब बाई चांस कह लो या फिर कॉइंसिडेंसली कह लो, मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम चीज़ें जो हैं किचन की मंगवाई हैं। तो आई थिंक जो लड़कियाँ, आई होप जो लड़कियाँ देख रही होंगी ये वीडियो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। द थर्ड वन इज दिस लेमन स्क्वीजर, तो ये भी मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। तो दिस इज, आई मीन द क्वालिटी वाइज दिस इज वेरी नाइस, मतलब मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है और दो चीज़ों का काम करता है, एक तो है ही लेमन, मतलब निचोड़ने के काम आता है, दूसरा इट वर्क लाइक अ ओपनर, ये जो जगह है इट वर्क लाइक अ ओपनर, तो आई एम ऑल्सो लविंग इट, मुझे अच्छा लगा ये। इट्स वेरी नाइस, अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जहाँ पे नींबू दो तीन बार नींबू निचोड़ने पड़ रहे हैं, तो यार दिस इज द बेस्ट पार्ट। इससे बेस्ट पार्ट क्या है ना इसका, आप स्क्वीज करोगे ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, इसको ये ऑलरेडी मतलब ये पूरा तो स्क्वीज होता नहीं है, तो थोड़ा रह जाता है, उससे क्या होता है ना, सारे जो इसके दाने होते हैं नींबू के बाहर आ जाते हैं। तो इसको यूज करने का एक जो फायदा है, जो मुझे लगा, मैं ये नहीं कह रही मैं इसकी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो इसको यूज करने का जो फायदा जो मुझे लगा था वो यही लगा कि इसको आप एक बार स्क्वीज कर लो, और उसके बाद दूसरी बार क्या होता है, इसके सारे के सारे बीज निकल जाते हैं और आप उसको हाथ स्क्वीज कर लो, तो आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड एंड आई एम हैप्पी विद दिस परचेज। ऑलराइट, सो माई नेक्स्ट परचेज, हाँ सो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज, जो मैं अभी खोल के भी नहीं दिखा पा रही हूँ, बट आपको मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ वीडियो पे ये कैसा दिखता है। दिस इज द स्टिकर, वॉल स्टिकर, जो ये भी मैंने किचन के लिए मंगवाया, और जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट मेरी सारी चीजें किचन के लिए हैं, तो ये स्टिकर मैं लगाने वाली हूँ बहुत जल्दी अपने किचन में, और मैं सोच रही हूँ कि उसका एक वीडियो कर लूँ, क्योंकि मैंने पता नहीं कितनी चीजें किचन की मंगवा ली है, तो दैट आई विल थिंक अबाउट इट लेटर। नेक्स्ट परचेज इज अगेन अ किचन आइटम, ये भी मैं काफी टाइम से सोच रही थी, इवन लॉकडाउन में ही सोचा मैंने। क्यों सोचा, क्योंकि पहले तो मुझे ज्यादा कुकिंग नहीं करती थी, क्योंकि मेड रहती थी मंडे टू फ्राइडे, मैक्सिमम मंडे टू फ्राइडे तो वही बनाती थी, सैटरडे संडे कोशिश करती थी मैं बनाऊं। तो दिस इज द एप्रिन, सो दिस इज द एप्रिन जो कलर वाइज भी बड़ा अच्छा है, दिस इज द पॉकेट, आपको कुछ रखना हो रख लो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी जो मुझे काफी टाइम से मंगवानी थी, और मैं नहीं मंगवा रही थी, पर क्यों नहीं मंगवा रही थी, पता नहीं क्यों नहीं मंगवा रही थी। और अब दिन रात जो है काम करना होता है ये ना, राइट, तो एप्रिन बहुत जरूरी है, बर्तन धोने में, रोटी बनाने में, स्पेशली दो चीजें होती हैं जहाँ पे आपको एप्रिन चाहिए चाहिए होता है, आपके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए आई ऑर्डर दिस एंड आई लव दिस चेक वाला एप्रिन, कलर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नाइस, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और आपके कपड़े तो सेव होंगे ही इससे। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज ऑल्सो। इसके बाद माई नेक्स्ट परचेज इज, ये अभी भी इसके अंदर ही है एक्चुअली, मतलब बहुत ज्यादा फनी बात यह है कि ये सब चीजें मैंने पता है कब से मंगवा रही हूँ, मतलब मंगवा चुकी हूँ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा हुआ था कि मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाई थी, तो सिर्फ वीडियो के लिए मैंने इसको पता नहीं कब से रखा हुआ है ऐसे। बस मैं हाँ सिर्फ एक चकला यूज कर रही हूँ और ये नींबू वाला जो स्क्वीजर है वो यूज कर रही हूँ। दीज आर दास्केट्स, स्टोरेज बास्केट यू कैन से, सो दीज आर द थ्री आइटम्स, थ्री टाइप्स की हैं ये, दो तो आई मीन ऑलमोस्ट एक जैसी ही है ठीक है,
दो सेम ही साइज की है, एक थोड़ा बिग साइज है इसका। तो प्राइस मुझे अब याद भी नहीं है इसका, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सब प्राइस वगैरह सब होंगे। और आजकल तो मुझे लगता है डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो और सस्ता मिल जाएगा आप लोगों को। तो आई मीन द बैड पार्ट इज कि ये बहुत ज्यादा आई मीन छोटी है ये। इज फाइन, दिस साइज विल भी ठीक है, बट ये जो साइज है बहुत छोटा है। बट आई एम ऑल्सो फाइन विद इट बिकॉज इसके अंदर मैं अपने मेकअप आइटम रख सकती हूँ, स्पेशली अपने नेल पेंट्स और अपनी लिपस्टिक्स कलेक्शन एटलीस्ट मैं इसमें डाल सकती हूँ। और इसमें थोड़े बड़े बड़ी चीजें आ जाएंगी मेरी जो और चीजें हैं, तो ठीक है फाइन है। एक्चुअली उसमें और भी ज्यादा थे, मतलब साइजेस थे आई थिंक मीडियम वगैरह बिग साइजेस, तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट साइज, सो मैंने मंगवा लिया। मैं सोचा एक बार देख लेती हूँ क्या साइज है, इसके बाद मुझे अगर दोबारा इसको ऑर्डर करना होगा तो मैं इससे बड़ा साइज देख लूंगी। राइट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई हैव ऑर्डर, सो दिस इज आई एम नॉट श्योर कोइंसिडेंस है क्या है कि मेरी सारी चीजें ही ऐसी ब्राउन, देखो ये ब्राउन है, ये तो है ही ब्राउन, ये भी ब्राउन, पता नहीं सब ब्राउन में कैसे आ गया। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हो। ये मैंने जो है किचन के लिए मंगवाया है, बट ये मल्टीपर्पज है, आप इसमें और चीजें रख सकते हो, जैसे पेन पेंसिल और मेकअप के लिए भी ये ब्रशेस वगैरह रख सकते हो। बट ये मैंने स्पेशली उन चीजों के लिए मंगवा रखा है, नाइफ वगैरह और भी जो चीजें होती हैं किचन में जो ऐसे ही पड़ी हुई थी, जो कहीं समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखूं, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस, मैंने फिनिशिंग इसकी बड़ी अच्छी लगी मुझे, वेरी सिंपल, कोई इसमें ऐसा कुछ डिजाइन नहीं है, बट स्टिल इट लुक वेरी नाइस एंड डिसेंट। तो माई किचन इज गोइंग टू लुक वेरी गुड, वेरी नाइस ना, तो आई एम हैप्पी। द बेस्ट थिंग तो मैंने अभी तक आपको दिखाई नहीं, सो द बेस्ट थिंग जो मैंने ऑर्डर करी है, तो दिस इज नॉट द किचन वाला पार्ट, बहुत बोरिंग हो गया ना सब किचन किचन का। हाँ, टन टन, सो द बेस्ट वन इज दिस, दिस इज गजरा जो आप सबको दिख रहा है, एंड दिस इज आर्टिफिशियल गजरा। सो आई होप ऑल गर्ल्स विल लाइक इट बिकॉज दिस इज आर्टिफिशियल गजरा, एंड यू वोंट बिलीव कि आर्टिफिशियल है, दूर से बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा। राइट, तो ये मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया क्योंकि करवा चौथ आ गया था और मुझे करवा चौथ में ये पहनना था, तो इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। तो मैं आपको अपनी फोटो भी दिखा सकती हूँ, ये जो करवा चौथ की फोटो मैंने ली थी, तो इसमें मैंने जो गजरा पहना है वो यही वाला है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस गजरे की कि आप इसको रीयूज कर सकते हो। आप नॉर्मल जो गजरा होता है वो एक दिन में ही खराब हो जाता है, और आप उसको इवन आपको कम से कम ये 4 या 5 गजरे चाहिए होते हैं वो पूरा अपना बन कवर करने के लिए या फिर पूरा रोल करने के लिए। तो आपको पता है महंगाई इतनी है कि वो गजरा गजरा ही आपको, मतलब मुझे लगता है 200 का पड़ जाता होगा, या फिर क्योंकि वो एक जो गजरा होता है वो एक जो स्ट्रिंग होती है वो 40-50 रुपीज से कम के कोई नहीं देता, और ये मुझे आई थिंक कितना का पड़ा है, 100-200 का पड़ा आई थिंक। यार मैं सॉरी, आई एम सो सॉरी, इस इन सब का इन सब की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूंगी, आप देख लेना। ये बहुत ही मुझे रीजनेबल, और रीजनेबल छोड़ो, ये बहुत ही अच्छा आइटम, एक आई मीन लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा आइटम है, क्योंकि हमको मतलब इमरजेंसी कहीं जाना होता है या फिर कोई शादी वगैरह होती है, जैसे अब त्योहार आ गए हैं स्पेशली, तो हमको करता है मन, क्योंकि मेरा तो बहुत करता है, आई एम गजरा लवर, तो मुझे साउथ इंडियन होना चाहिए था, मुझे इतना गजरा पसंद है, तो मैंने इस वजह से मंगवाया कि कभी भी मन करे तुम्हें
जरूरत नहीं है वेट करने की या फिर कि अपने हस्बैंड को भेजने की जाओ मेरे लिए गजरा ले आओ. नो यू हैव द आर्टिफिशियल वन. सो या आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी. आई होप यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो. यू लाइक माय बैकग्राउंड. यू लाइक मी वेयरिंग द ट्रेडिशनल ड्रेस एंड ऑल. सो So thank you for watching my video, and if you really like it, please give a thumbs up and subscribe to my channel also, right? So so I'm just ending my video. Hope you guys enjoy the festival season and the Diwali. So happy Diwali to all of you. So stay safe. दिवाली बनाना, पटाखे एक आध जलाने हो तो जला लेना जस्ट फॉर अ शगुन, बट ज़्यादा मत जलाना क्योंकि ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन हो रहा है. बट पूजा करना, अपने रिलेटिव्स से मिलना और जिनके साथ रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ या फिर कोई भी मम्मी पापा, उनके साथ अच्छे से रहना. नो लड़ाई झगड़ा, जस्ट स्प्रेड द गुड वाइब्स एंड हैप्पीनेस एवरीवेयर. सो happy Diwali and bye bye.